वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग्स। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हमें ब्रीफ में पढ़ना है क्लास 10th के हिसाब से। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का, वो होता है ओरीज। ये ओरीज जो होते हैं ये दो होते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना फीमेल्स का, वहाँ पे ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। एक साइड एक प्रेजेंट होता है और दूसरी साइड दूसरी प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो जब अगर हम देखेंगे ओरीज कब बनती हैं, जब एक फीमेल बेबी होता है वो माँ के पेट में जब होता है तब ये ओरीज जो होते हैं उनकी डेवलपमेंट होती है। ओरीज जो होते हैं इनको कंसिडर किया जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गन्स जिनका रोल जो होता है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट होता है, ठीक है ना। मतलब अगर हम ओरीज देखेंगे ना, ये यहाँ से क्या निकलता है? ओम निकलता है, तो डायरेक्ट इनका रोल होता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो इन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा जो होता है कुछ ऐसे मतलब जो होते हैं ऑर्गेनस जो होते हैं जिनका रोल डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में नहीं होता है, उनको बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनस, ठीक है ना। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनस फॉर एग्जांपल हमारी मतलब जो होता है अगर मेल में देखेंगे तो सुक्रोटम होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इस फीमेल में देखेंगे तो वजैना होता है, इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता है। अगर हम ओरियस की देखेंगे ना, इसकी दो फंक्शन होता है। एक तो ये क्या काम कर देता है? ओम बनाता है। ओम होता है एक, ओम होते हैं बहुत सारे, इसको बोलते हैं एग भी, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, ये हारमोनस बोलते हैं बनाते हैं, उन हारमोनस को क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, फीमेल सेक्स हार्मोन्स मतलब ओस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जिस तरीके से मेल सेक्स हार्मोन्स अगर हम देखेंगे ना वो होता है टेस्टोस्टेरोन, इसी तरीके से अगर हम फीमेल्स में देखेंगे ना तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? एक होता है प्रोजेस्टेरोन, दूसरा होता है ऑस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो एक ओम हो गया, दूसरा हो गया हार्मोन प्रोडक्शन। तो दो ड्यूअल काम होता है इस ओरियस का। दूसरा जो ऑर्गन होता है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये हो गया हमारी इस फीमेल ऑर्गन, ये ओरी हो गई, दो साइड दो होते हैं, एक साइड एक होता है दूसरे साइड दूसरे होते हैं, और ये वाला जो होता है ना इस साइड का एक फैलोपियन ट्यूब होता है, इस साइड का एक फैलोपियन ट्यूब होता है। तो दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, दो ओरियस होते हैं, ठीक है ना। जो फैलोपियन ट्यूब जो होता है कभी कभी इसको क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, कन्वोलेटेड रीजन होता है। यहाँ से क्या होता है, ये जो होते हैं ना यहाँ से ये पूरा फैलोपियन ट्यूब होता है, ये वाला पार्ट होता है ना इसको बोलते हैं फिमरे। तो यहाँ से जब एग निकलता है ना, इसको ये फिमरे पकड़ के यहाँ से वो मतलब ये निकलता है वो, ठीक है ना। यहाँ पे इस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर देता है ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है तो फर्टिलाइजेशन अगर हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म आता है ना, जब मेल से स्पर्म आएगा तो ये फर्टिलाइजेशन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसके बाद जो ऑर्गन आता है वो आता है यूट्रस, या उसको बोलते हैं वॉर्म भी। ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला जो होता है ये इसको बोलते हैं यूट्रस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है। अगर हम इसकी इंटरनल लेयर देखेंगे इस यूट्रस का, ये वाला जो लेयर होता है इसके दो तीन लेयर होते हैं, हमें यहाँ पे एक ही लेयर को मेंशन करता है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना ये काम क्या कर देता है, यहीं पे इम्प्लांटेशन होता है जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ना लोअर पोर्शन जो होता है इस यूट्रस का उसको बोलते हैं सर्वेक्स। सर्वेक्स यहाँ से यहाँ तक हो गए और वजाइना इसका इंटरनल पार्ट होता है, इतना क्लियर है। तो ये जो होता है इसके बाद जो वजाइना होता है ये मस्कुलर ट्यूब होता है, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है वजाइना का, ये सिर्फ रिसीव कर देता है, ये रिसीव करता है स्पर्म,
और ये स्पर्म कहाँ से आता है, मेल से आता है। इतना ही काम इसका रहता है। ये दूसरा क्या करता है, ये इससे जो बच्चे को जन्म लेता है तो वहाँ से ये एक ट्रांसपोर्टल कैनाल एक्ट कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे ह्यूमन में। स्पर्म आता है तो हमें पता ही होता है, ये फीमेल्स में चला जाएगा, मेल से स्पर्म आएगा, फीमेल में चला जाएगा थ्रू वजाइना। किसके थ्रू आएगा, पेनिस के थ्रू आएगा, फिर वो वजाइना में आएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन के थ्रू आता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं आता, कॉपुलेशन के थ्रू आता है। इसके बाद क्या होता है, स्पर्म जो होते हैं ये मोटाइल होते हैं। अगर हम लास्ट वीडियो में ने बोला था, ये जो स्पर्म जो होता है ये मोटाइल होता है, ठीक है ना, ये एक ही जगह पे रुकने वाला नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आ गया, ये क्या करेगा, ये चला जाएगा यहाँ यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब तक, ठीक है ना। तो यहाँ से एग आता है ना, एक मंथ में एक ही एग निकलता है, एक साइड से एक एग निकलेगा, दूसरे नेक्स्ट महीने जो है ना इस साइड से नहीं निकलेगा, वो दूसरे और इसे निकलेगा। तो अगर यहाँ से एक एग आया तो यहाँ से स्पर्म जो होता है ना यहाँ पे मिलेगा, एक ही स्पर्म जो होता है ना फ्यूज हो जाता है। कभी कभी ट्विनस होते हैं, वो सेकेंडरी केस होता है, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए एक स्पर्म कामयाब होता है जो इससे फर्टिलाइज हो जाता है, जो फ्यूज हो जाता है, दैट प्रोसेस नोन एज, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद क्या क्या होता है, सीधे जो होता है एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो सीधा यहाँ पे आके ना इस एंडोमेट्रियम जो होता है ना लेयर इस यूट्रस का, यहाँ पे चिपक जाता है। इस चिपकने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, चिपकने को इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जब एम्ब्रियो आता है वो मतलब अटैच हो जाएगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम से, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ये डेवलप होता है बच्चा, मतलब अभी तो छोटा ही होता है, सेल डिवीजन हो जाएगा दिन ब दिन जो होता है, इसकी डिवीजन हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा तो ये फेटस फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक जो होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होता है, एंडोमेट्रियम किसका पार्ट होता है, माँ का पार्ट होता है, मदर का पार्ट होता है। और दूसरा जो होता है, जो बेबी होता है, मान लो ये बेबी है, ये यहाँ पे मदर का एंडोमेट्रियम है, इनके बीच में एक मेम्ब्रेन बनता है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज प्लेसेंटा, ठीक है ना। वो प्लेसेंटा में हियर लाइक मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं विल्ले, याद रखना ये एनसीईआरटी में आता है बार बार। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्लेसेंटा में होते हैं, तो इसके थ्रू ये हमें डीप में नहीं जाता, इसके थ्रू क्या होता है ब्लड वेसल जितने जुड़े रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये प्लेसेंटा का रोल क्या होता है, ये इस बच्चे को एक तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, दूसरा जो होता है न्यूट्रिएंट्स यहाँ से एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जितनी देर तक ये बच्चा एक माँ के पेट में रहता है, कहाँ तक, जब वो जन्म लेता है बच्चा, तो उस पीरियड को क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। अगर हम गेस्टेशन पीरियड देखेंगे एक ह्यूमन का, वो होता है 9 मंथ, मेरे वहाँ पे शॉर्ट में लिखा 9 m। गेस्टेशन ह्यूमन बींग्स में कितना रहता है, मतलब फ्रॉम डेवलपमेंट, डेवलपमेंट बच्चे के डेवलपमेंट टू बर्थ तक, उस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन, ठीक है ना। और जब बच्चा मतलब जन्म लेता है, बर्थ कर देता है, बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है ना, इतना समझ में आया। इसके बाद जो होता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, ये एंडोमेट्रियम जो होता है ना, ये एंडोमेट्रियम कभी कभी ये मतलब सपोज स्पर्म नहीं आएगा ना, तो ये एंडोमेट्रियम को क्या होता है, ये शट डाउन होता है, निकल जाता है। जब ये शट डाउन हो जाता है ना, मतलब सपोज आप किसी किसी को मतलब किसी ऑर्गन मतलब या अगर किसी हाथ में कट लग जाएंगे ना, तो कट लगने से क्या होता है, ब्लीड होता है, खून निकलता है। तो ये जब ये एंडोमेट्रियम ये शट डाउन टूट जाता है, इसके थ्रू क्या होता है, मेनस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेनस्ट्रुएशन जो होता है, पीरियड्स जो होते हैं वो इसी से वो ब्लीड होके निकल जाता है। अगर स्पर्म नहीं आया, मतलब स्पर्म जब आता है तो इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन के टाइम पे ये शट डाउन नहीं होता है। तो एबॉर्शन पे कभी कभी किसी को होता है, जब हम मतलब कोई फर्स्ट स्टेज में होता है, धक्का देते हैं किसी को, या कोई ऐसा ये जो मेम्ब्रेन वीक होता है, तो उस टाइम पे ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे था, इम्प्लांट हुआ था, ये भी निकल जा कभी कभी निकल भी जाता है।
लेकिन अगर सपोज स्पर्म नहीं आया है तो उस टाइम पे भी ये शट डाउन होता है। जब ये शट डाउन हो जाता है वहाँ से ब्लीड हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेनस्ट्रेशन। तो उसी को बोलते हैं पीरियड्स, या लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं पीरियड्स। खून अगर स्पर्म आ गया तो पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, फिटस की डेवलपमेंट होती है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।